analytical method of vector addition. First, addition of vector by triangle law of vector addition. If we take two vectors, because triangle law of vector addition, that is only for two vectors, दो वेक्टर के लिए होता है. We take two vectors. Vectors A and B. A and B, which represent in magnitude and direction both. जो both magnitude and direction दोनों को represent करते हैं. And they are inclined at an angle theta. Two vectors हैं A and B. They are inclined at an angle theta and be represented in magnitude and direction. Let B represented both in magnitude and direction. By the two sides of a triangle, let me draw here. One of the vector is this, say A, and another vector is A. This is the A. Another vector is this, B, and there is angle theta between them. Theta is the angle between them. Resultant vector is this, R, that is equal to A plus B. वी हैव टू कैलकुलेट हाउ इट इज ए प्लस बी. हम यही शो करेंगे यहां पर कि ये ए प्लस बी के इक्वल कैसे. ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस, से इट इज ओ पी क्यू. ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू ऑन साइड ओ पी प्रोड्यूस्ड, दिस इज से एन. आप देखिए टू वेक्टर्स हैं ए एंड बी, विच रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड ओपी एंड पीक्यू ऑफ द ट्रायंगल. ट्रायंगल की टू साइड को रिप्रेजेंट करते हैं बाय टू साइड्स ओपी एंड पीक्यू ऑफ ट्रायंगल ओपीक्यू. ओपी की ट्रायंगल की टू साइड को रिप्रेजेंट करते हैं. द रिजल्टेंट वेक्टर ओ क्यू, दैट इज आर, रिप्रेजेंट both in magnitude and direction by third side
in opposite order. मतलब आप देखिए ट्रायंगल की टू साइड को तो ए एंड बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये थर्ड वेक्टर जो है, थर्ड साइड जो है वो इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इन अपोजिट ऑर्डर. देखिए इसका ऑर्डर क्या है, ओ से पी, पी से क्यू, और इसका ऑर्डर क्या है, अपोजिट है इनके. अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ क्यू एंड परपेंडिकुलर टू. इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड द रिजल्टेंट आर ड्रॉ क्यू एन परपेंडिकुलर टू ओपी प्रोड्यूस्ड. ओपी को प्रोड्यूस करके और आप उस पर क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए. अब हमने इसके ऊपर क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, देन व्हाट वी ऑब्टेन, आपको क्या मिला, देखिए क्यू पी एन, एंगल क्यू पी एन इज इक्वल टू थीटा. ओपी इज व्हाट, OP is equal to A. PQ किसके इक्वल है, PQ is B. OQ is equal to R. ये हमारा यहां पे फाइंड आउट, मतलब इस ट्रेंगल के अकॉर्डिंग दीज आर द सिंबल्स. अब आप ट्रेंगल QNP, राइट एंगल ट्रेंगल QNP, यू टेक दिस इन राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल क्यू एन पी, आप साइन एंड कोस निकाल दीजिए इस ट्रेंगल में. क्यू एन पी में देखिए क्यू एन अपॉन पी क्यू, क्यू एन अपॉन पी क्यू, इट इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस साइन थीटा. This is equal to QN upon PQ is equal to sin theta. Then QN किसके इक्वल होगा, We take here, यहां से ले लेते हम, QN is equal to what, PQ को इधर shift कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, PQ sin theta. And PQ किसके इक्वल है, PQ is equal to B. यहां से देखिए PQ B के इक्वल है, So इट इज इक्वल टू क्यू एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये आ गया. ठीक इसी तरह इसमें कॉस थीटा निकालिए सेम ट्रायंगल में, पी एन अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी क्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा, और पी एन इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, और पी एन इज इक्वल टू पी क्यू मीन्स पी क्यू, इट इज बी, बी कोस थीटा. दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास, क्यू एन की बी साइन थीटा और पी एन की हमारे पास आ गई बी कोस थीटा, ये दोनों वैल्यू आ गई. अब आप ट्रेंगल ओ एन क्यू ले लीजिए, इन राइट एंगल्ड ट्रेंगल ओ एन क्यू, ओ एन क्यू ट्रेंगल के अंदर देखिए आप, जब ये ओ एन क्यू ट्रेंगल है तो इस ओ एन क्यू ट्रेंगल के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ओ एन क्यू, तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वेयर, ओ एन स्क्वेयर प्लस क्यू एन स्क्वेयर. अब आप देखिए ओ एन किसके इक्वल है, ओ एन इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन, तो आप ओ एन की जगह ओ पी प्लस पी एन होल स्क्वेयर प्लस क्यू एन होल स्क्वेयर, एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस ओ पी पी एन, इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, एंड क्यू एन इन सब की वैल्यू पुट करो. ओपी की वैल्यू क्या है, ओपी इज ए के इक्वल है, सो इट इज ए
पी एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, पी एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस क्यू एन, क्यू एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी बी साइन थीटा होल स्क्वायर एंड ओ क्यू रिप्रेजेंटेड बाय आर. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. आप इस स्क्वायर को एक्सपेंड कीजिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा प्लस ये आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अब आप वी टेक द कॉमन फ्रॉम दिस, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा. ये क्या हो गया, वन हो गया. सिंस आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा. देन व्हाट इज आर, आर किसके इक्वल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा. ये इसके इक्वल हमारा कॉन्क्लूजन. लेट मी राइट हियर अगेन, यहां दोबारा लिख देता हूं. आर किसके इक्वल आया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा. ये हमारा फाइनल रिजल्ट यहां पे फाइंड आउट हो गया. दिस इज द फाइनल रिजल्ट. देन हाउ इट इज आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये इसके इक्वल कैसे हुआ. हमने तो रिजल्ट निकाला आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा अंडर रूट दिस. ये उसी के इक्वल स्पेशल केस में आएगा. इसके बाद हम ट्रेंगल लो, ये इसमें डायरेक्शन निकालेंगे अभी. इसके बाद हम पैरेललोग्राम लो करेंगे, उससे भी सेम कॉन्क्लूजन आएगा, सेम रिजल्ट आएगा. और उसके बाद हम स्पेशल केस लेंगे एंड वी शैल प्रूव कि आर जो है ए प्लस बी के इक्वल है. ये आर इज इक्वल टू ए प्लस बी तब सेम होता है जब इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो, और डायरेक्शन सेम हो तो थीटा जीरो हो जाएगा और कोस जीरो वन होता है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके इक्वल आ जाएगा. मतलब हम करेंगे स्पेशल केस में बाद में. दिस इज द रिजल्ट और रिजल्टेंट आर, ये रिजल्टेंट आर है. इसके बाद डायरेक्शन ऑफ दिस, इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन जो होती है वो टेंजेंट थीटा रिप्रेजेंट करता है. एंड टू कैलकुलेट द डायरेक्शन, देखिए इसी में सेम यहीं पे हम वो करते हैं, इसी फिगर को लेके हमारा कॉन्क्लूजन ये आया था. R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा अंडर द रूट. दिस इज द रिजल्टेंट, एक कॉन्क्लूजन हमने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया है. नाउ डायरेक्शन, डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय टेंजेंट. लेट बीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाय आर विद वेक्टर ए. वेक्टर ए के साथ सपोज ये बीटा एंगल फॉर्म करता है. दिस एंगल इज बीटा, दिस इज वेक्टर ए
एंड दिस इज वेक्टर आर रिजल्टेंट, इसके साथ बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, देन टेंजेंट बीटा, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस क्यू एन अपॉन ओ एन एंड इट इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन ओ पी प्लस पी एन. क्यू एन इज इक्वल टू, सॉरी, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन ओ पी प्लस पी एन. अब आप देखिए ये क्या बना. सो टेंजेंट बीटा इज क्यू एन. क्यू एन किसके इक्वल था, हमने कैलकुलेट किया था, वी कैलकुलेटेड क्यू एन जो है बी साइन थीटा के इक्वल, पीछे हमने किया था बी साइन थीटा प्लस ओ पी. ओ पी क्या है, ए. और पी एन क्या कैलकुलेट किया था, बी कोस थीटा. दिस इज द डेरिवेशन फॉर टेंजेंट बीटा, यानी कि टू फाइंड आउट द डायरेक्शन. ये डेरिवेशन है, इसी से हमें डायरेक्शन मिलेगी, इससे हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा. नाउ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम लॉ. तो पैरेललोग्राम भी ठीक इसी तरह का है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेम केस, वी टेक द टू वेक्टर्स ए एंड बी एक्टिंग एन एन एंगल थीटा, वही सेम कि दोनों जो है थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं. लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी एक्ट एट एंगल थीटा विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ दे आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा विद ईच अदर एंड रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सेम बात वही है, दैट्स वाई आपको नो नीड टू राइट, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि टू वेक्टर्स ए एंड बी दे एक्ट एट एन एंगल थीटा and these represent in magnitude and direction both by the two sides, two adjacent side of parallelogram. तो ये parallelogram की two adjacent side को represent कर रहा है. We draw the parallelogram just like this is the vector A and this is the vector B. Angle between them is theta. First we complete the parallelogram because it is parallelogram law. We join this, it is OP, OQ, say it is S, this is R which represent a, it is equal to a plus b. This angle is theta between them. Again, same thing. This r is making angle beta with a. Now draw perpendicular from s on produced PQ. This is SN is the perpendicular. This is angle theta. Draw SN perpendicular on OP produced. OP produced के ऊपर आप
परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। नाउ OQ एंड PS दीज आर द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, सो दीज आर इक्वल, सिंस ये इक्वल है तो दिस इज इक्वल टू B, ये B के इक्वल होगा बिकॉज आपको बताना कि OQ एंड PS दे आर अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, सो दीज आर इक्वल, इक्वल है तो क्या होगा, ये B के इक्वल होगा, डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम बिकॉज दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, OQ एंड PS दे आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, सो PS ऑल्सो रिप्रेजेंट वेक्टर B. नाउ हाउ टू कैलकुलेट द R, रिजल्टेंट R कैसे कैलकुलेट होगा, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अब आप देखिए व्हाट इज दिस, यहां पे है क्या क्या, ओपी इज इक्वल टू ए एज इट इज, जो हमने पिछले में किया उसी तरह से, ओ क्यू इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू बी, ओ एस इज इक्वल टू आर, एंगल एस ओ पी इज इक्वल टू एंगल एस सॉरी एंगल क्यू ओ पी नॉट एस ओ पी एंगल क्यू ओ पी इज इक्वल टू एंगल दिस इज यानी कि एंगल क्यू ओ पी एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो एंगल क्यू ओ पी इज इक्वल टू एंगल एस पी एन इज इक्वल टू थीटा बिकॉज ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल रहेगा, तो ये एंगल थीटा है। अब आप ट्रायंगल एस एन पी के अंदर देखिए, एस एन पी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एस एन पी, सेम केस वही साइन एंड कोस निकालिए, यहां पे बिल्कुल सिमिलर चलेगा, ट्रेंगुलर लॉ के ट्रेंगल वाला लॉ था उसी तरह से, एन एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू साइन थीटा और एन एस इज इक्वल टू पी एस साइन थीटा, मीन टू से पी एस क्या है बी, एन एस इज इक्वल टू बी साइन थीटा, इसी ट्रायंगल में एस पी एन ट्रायंगल में ही कोस थीटा लीजिए आप, पी एन अपॉन पी एस इज इक्वल टू कोस थीटा, पी एन इज इक्वल टू पी एस कोस थीटा मीन्स पी एन इज इक्वल टू पी एस का मतलब बी बी कोस थीटा, तो हमारे यहाँ पे टू कॉन्क्लूजन हमने पिछले की तरह से फाइंड आउट कर लिए हैं, वन एन एस और दूसरा पी एन। अब इसके बाद आप ओ एन एस ये जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है आप इसको लीजिएगा, जो राइट एंगल ट्रायंगल है ओ एन एस, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ एन एस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, ओ एस स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वेयर प्लस एन एस स्क्वेयर, ओ एन किसके इक्वल है ओ पी प्लस पी एन, सेम केस है बिल्कुल, ओ पी प्लस पी एन होल स्क्वेयर प्लस एन एस स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ एस स्क्वेयर, पुट द वैल्यू, ओ एस किसके इक्वल है बेटा, ओ एस को हमने सिंबल दे रखा है आर आर स्क्वेयर, ओ पी क्या है ए, पी एन क्या है पी एन कैलकुलेटेड बी कोस थीटा,
बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस एन एस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। अब आप इसको एक्सपेंड कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको और इसको इकट्ठे करके कॉमन कर ले लीजिए, इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये टू ए बी कोस थीटा। और यू नो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन होता है, दैट्स वाई इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा। इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सो व्हाट इज आर, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा अंडर द रूट। सेम रिजल्ट जो हमने पहले किया था ट्रायंगल लॉ में, वही सेम टू सेम इसमें आ गया। आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा अंडर द रूट। नाउ डायरेक्शन, टू कैलकुलेट द डायरेक्शन अगेन सेम, लेट आर मेक एंगल बीटा विद वेक्टर ए, ए के साथ एंगल बीटा बनाता है, देन टेंजेंट बीटा इज व्हाट, टेंजेंट बीटा वही ट्रायंगल ओ एस एन के अंदर, एन एस अपॉन ओ एन, एन एस एज इट इज, ओ एन को आप क्या रख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एन। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू एन एस, क्या था, एन एस वाज बी साइन थीटा, इट इज बी साइन थीटा, ओ पी जो है ए प्लस पी एन जो है बी कोस थीटा। दिस इज द डेरिवेशन फॉर और रिलेशन फॉर डायरेक्शन, इट इज सेम एज इट इज, जो हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में किया था वही है। अब ये तो है हमारा कॉन्क्लूजन। अब इसके बाद स्पेशल केसेस आते हैं इसके। फॉर द स्पेशल केस इसी रिजल्ट के ऊपर है, स्पेशल केसेस हाँ जी। इफ ए एंड बी दे आर इन सेम डायरेक्शन, केस नंबर वन, इफ बोथ वेक्टर्स ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, ए एंड बी जो है दोनों सेम डायरेक्शन में, उस केस में देखिए, व्हेन ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन देन थीटा क्या होगा, देन थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। और हमने जो यहां पे रिजल्ट ड्रॉ किए हैं उसमें साइन थीटा है और कोस थीटा है, जब थीटा जीरो है तो कोस की वैल्यू क्या होगी, कोस जीरो डिग्री इज इक्वल टू वन, एंड साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। नाउ पुट द वैल्यू इन रिजल्ट, व्हाट वाज फॉर मैग्नीट्यूड, रिजल्ट वाज आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस जीरो। कोस थीटा की जगह कोस जीरो हो गया, और कोस जीरो की वैल्यू आप
को पता है वन होती है, तो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, बिकॉज कॉस जीरो बिकम वन। अब ये किसके इक्वल है, मतलब आप पुट कर सकते हैं, मान लिया ये वन है, देन इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वेयर अंडर द रूट, यानी आर इज इक्वल टू ए बी, ए प्लस बी। ये आ गया हमारा वही कॉन्क्लूजन, मतलब आर इज इक्वल टू ए प्लस बी कब होता है, जब उनके बीच में एंगल जीरो हो, यानी कहने का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में। अब हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन में, आप डायरेक्शन कैसे पता लगे, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, बट दोनों के बीच में जो एंगल बीटा था वो जीरो आना चाहिए, तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू जो हमारा रिलेशन था उसी को, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। अब यहां पे थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो टेंजेंट बीटा किसके इक्वल हो गया बेटा, बी इंटू जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, ए प्लस बी इंटू वन एंड इट इज इक्वल टू जीरो। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब एंगल जो है उनके बीच में जीरो है, यानी उनकी डायरेक्शन सेम है। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, इफ बोथ वेक्टर्स ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा जो है इसका मतलब 180 होगा, अपोजिट डायरेक्शन में थीटा ऑलवेज 180 होता है, तो कॉन्क्लूजन क्या आएगा, फॉर मैग्नीट्यूड देखिए, आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस 180 डिग्री। आपको बता देते हैं कोस 180 की वैल्यू होती है माइनस वन और साइन 180 की वैल्यू होती है जीरो, सिंस इट इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी इंटू माइनस वन और इट बिकम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी अंडर द रूट, दिस इज आर, और आर इज इक्वल टू इट इज व्हाट, ए माइनस बी होल स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, यानी आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। If these act in opposite direction, then always resultant is a minus b के equal होता है। What about the angle? Value put कर दीजिए। For the angle, tangent beta is equal to b sin theta upon a plus b cos theta। मतलब आप थीटा की जगह क्या पुट कर दीजिए, इन प्लेस ऑफ थीटा यू पुट 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री, आपको बताइए जीरो बन गया, देन इफ इट इज जीरो तो ये ए माइनस बी बनेगा क्योंकि ये माइनस वन है, सो इट इज जीरो। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज बीटा जो है या तो जीरो होगा या फिर 180 होगा, क्योंकि टेंजेंट जो है जीरो कब होता है, जीरो पे एंड 180 पे, दोनों पे होता है। अब एक केस और, व्हेन द बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हों। परपेंडिकुलर मींस कि दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल होता। थर्ड केस, इफ देयर इज राइट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मीन्स ए एंड बी एक्ट एट राइट एंगल। कहने का मतलब ए एंड बी एक्ट एट राइट एंगल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जब थीटा 90 होता है तो कोस 90 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। सो कोस 90 इज इक्वल टू 0 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। सो व्हाट विल बी आर, आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos 90 डिग्री स्क्वेयर रूट, और ये वैल्यू 0 है। सो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर द रूट। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल पे हैं तो उनका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होगा। तो डायरेक्शन किसके इक्वल होगी, डायरेक्शन में देखिए एंगल किसके इक्वल आएगा। टू फाइंड आउट द एंगल वी नो दैट टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस, यानी बी साइन 90 कर दीजिए, ए प्लस बी कोस 90। जब ये हो गया तो ये तो क्या हो जाएगा, बी इंटू 1 यानी बी हो जाएगा, और ये a यानी ये तो b इंटू 1 हो गया, और ये a प्लस बी इंटू 0। सो व्हाट इज इट, इट इज b अपॉन a। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू दिस, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल, इनवर्स ऑफ टेंजेंट b अपॉन a, दिस विल बी द एंगल बिटवीन देम। इनकी वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा ये। तो ये थे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ एंड बाय पैरेललोग्राम लॉ एंड अलोंग विद द स्पेशल केसेस।